हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी वसंत ऋतु आने वाली है, स्प्रिंग सीजन आने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम जो गार्डनर्स हैं, हमारे लिए कुछ जिम्मेदारी हो जाती है हमारे उन प्लांट्स के लिए जो कि अब तक ठंडियों में डोरमेंसी पीरियड में था। डोरमेंसी यानी उनमें कोई ग्रोथ नहीं था, या रहा भी होगा तो बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ। या फिर कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि समर में फ्लावरिंग करता हो, तो ऐसे जो पौधे अभी ठंड में एकदम डोरमेंसी पीरियड में थे, उनमें जो ग्रोथ थी वो रुकी हुई थी। तो फ्रेंड्स, अभी आने वाले टाइम में स्प्रिंग सीजन में उनके जो न्यू ग्रोथ है वो शुरू होने जा रहा है। तो न्यू ग्रोथ जब होता है तो उन प्लांट्स के लिए हमें कुछ काम करने होते हैं ताकि हमें बहुत अच्छा गर्मी में फ्लावरिंग मिल पाए। जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं या जो शो प्लांट्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ में तेज़ी आ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि हमें किन सारे बातों को ध्यान रखना है और कौन से सारे चीज़ें हमें अभी करनी है। तो फर्स्ट तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको ये जो काम है, ये आप 15 फरवरी के बाद शुरू कर सकते हैं। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच आप अगर ये कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अभी भी आप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ जो प्लांट्स है, आपको दिख रहा है कि प्लांट्स में न्यू ग्रोथ आना शुरू हो रहा है, तो कैसे आप पहचानेंगे कि उनके जो छोटे छोटे न्यू ब्रांचेस निकल आ रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, जो ब्रांचेस है, न्यू शूट इवॉल्व हो रहा है, तो आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि सीजन चेंज होने जा रहा है। और या फिर बहुत आसान सा चीज़ है, आपके आसपास अगर कोई भी आम का पेड़ है फ्रेंड्स, तो आप उसमें देख सकते हैं क्या उसमें बोर, जो आम के जो बोर आते हैं वो क्या आया है। तो अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब समय आ चुका है ये काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहला जो काम है वो काम है कि पौधों में नीम ऑयल का स्प्रे करना, या फिर आप फंजिसाइड वगैरह भी स्प्रे कर सकते हैं। तो जब सीजन चेंज होता है फ्रेंड्स, होता है जो पेस्ट होता है उनका भी ग्रोइंग सीजन होता है, वो भी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो हमारे पौधों को खराब ना करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि अगर आप नीम ऑयल स्प्रे करना चाहते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक साइड में जाएंगे तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल को मिला के आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा कि नहीं, बहुत सारे कीड़े हो गए हैं और दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आप थोड़ा सा 3-4 बूंद उसमें आप जो हैंड वॉश होता है, जो उसका एक 3-4 बूंद आप ऐड कर सकते हैं, और फिर उसको शेक करके, जो स्प्रे बॉटल है उसको शेक करके आप उसको नीम ऑयल के साथ मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। तो खासकर जो गुड़हल वाले प्लांट्स होते हैं या कई और भी प्लांट्स होते हैं जिसमें मिली बग्स का जो अटैक होता है, बहुत कॉमन है मिली बग्स का अटैक। जो वाइट वाइट आप देखेंगे, चिपचिप टाइप का जो पेस्ट होता है वो अटैक करता है। तो अगर आप हैंड वॉश यूज़ करते हैं नीम ऑयल के साथ, तो वो काफ़ी असरदार होता है। तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम आपको ये करना है फ्रेंड्स, कि जो प्लांट्स है उसको थोड़ा थोड़ा आप गुड़ाई कर दीजिए। तो हमें मेन गुड़ाई करने का ये मतलब है कि हमें मिट्टी को लूजनिंग करना है, हमें मिट्टी को भुरभुरा करना है। तो इससे क्या होता है, मिट्टी जब हम लूज करते हैं, सॉइल में एरेशन जो है वो अच्छा होता है। जो एरेटेड सॉइल होता है उसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर स्पेस होता है, और जिसके कारण बहुत ही आसानी से पानी हवा जड़ों तक पहुंचती है। और रूट्स का अच्छा ग्रोथ होता है। तो फ्रेंड्स, ये काम भी आपको इस समय कर लेनी है। उसके बाद अगर जैसे कि इस साल कई जगह कई बार बारिश हो चुकी है, तो बारिश की वजह से हमेशा चांसेस रहता है कि फंगस वगैरह पनपने की मिट्टी में। तो आपको क्या करना है, गुड़ाई करने के बाद अगर आपका जो गमला है वो गीला है, तो थोड़ा उसको सुखा लीजिए। और सुखाने के बाद फ्रेंड, उसमें आप क्या करें कि फर्टिलाइजर ऐड करें। तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप सीवीड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं,
आप एनपीके का 19-19-19 या 20-20-20 भी यूज कर सकते हैं। तो 19-19-19-20-20 कैसे आप यूज करेंगे? आप क्या करेंगे कि आप वैसे ही स्प्रे बॉटल में 1 लीटर में आप 1 चम्मच इसको घोल लीजिए, एंड देन आप फॉयलेज स्प्रे भी करिए और आप जो रूट्स आप पूरे प्लांट्स में आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं। तो ये आपको काम करना है। तो ये तीसरी काम है फ्रेंड्स, कि गुड़ाई करना और उसके बाद आपका फर्टिलाइजर ऐड करना। और उसके बाद फ्रेंड जो एक काम है जो बहुत ही खास इम्पोर्टेंट होता है कि जो प्लांट्स है उनका छटाई करना, प्रूनिंग करना हम जिसे बोलते हैं। तो क्या होता है, जब आप प्रूनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा न्यू ग्रोथ की चांसेस बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, आप देखिए आप कितना आप सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाह रहे हैं, या आपका अगर प्लांट बहुत छोटा है तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर लीजिए। अगर कुछ प्लांट्स है कि जैसे कि अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो ज़्यादातर जो गुड़हल के प्लांट्स है, जो देसी गुड़हल के प्लांट्स है जो गमले में लगा हुआ है, तो उसके जो ब्रांचेज है बहुत एकदम थिन हो गया है और बहुत ऊपर तक गया, तो उनका मैं क्या करूँगी, हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी। और जो छोटे पौधे हैं उनका आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर लीजिए। तो आप अपने पौधे को देखते हुए डिसाइड कर लीजिए कि सॉफ्ट प्रूनिंग करना है या हार्ड प्रूनिंग करना है। तो आप प्रूनिंग भी इस समय आपको करने हैं। इसके बाद हम जो पुराने प्लांट्स हैं उनकी केयर हमारी ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स क्या है कि अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे आज कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई फॉयलेक्स स्प्रे करना है तो आप थोड़ा सा उसमें गैपिंग देना है, एक के बाद एक आपको तुरंत तुरंत नहीं करना है, थोड़ा दो चार दिन गैप में ये सारे काम आपको कर लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो बहुत खास पॉइंट है कि ये जो मौसम है ये न्यू ग्रोथ का मौसम है, जो स्प्रिंग सीजन होता है बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है प्लांट्स। तो इस समय आप जो भी प्रूनिंग कर रहे हैं, अगर जो जो डालिया है उसको आप फेंके नहीं, आप उसको लगा दीजिए। अगर आपको ज़रूरत है तब भी अच्छा है, नहीं है तो आप उसको बांट दीजिए। या आपको अगर कोई प्लांट्स आपने सोच के रखा है कि आपको प्लांट्स लगाने हैं, तो आप इस समय आप उसको अरेंज करके उसके डाली को आप इस समय आप लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि उसको गमला चेंज कर दें, क्योंकि उसके जो रूट्स है वो रूट जो बाउंड हो चुका है बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे कि रूट्स गमले से बाहर जा रहा है, या आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो आप जब पानी देते हैं गमले में तो मिट्टी में पानी अच्छे से नहीं जा पाता है। वो क्या होता है कि मिट्टी और जो गमले के बीच का जो लेयर है वहाँ देखिएगा गैप सा हो जाता है, तो सारा पानी उसमें से चला जाता है, तो जो पौधे के रूट्स को पानी नहीं मिल पाता है। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि आप ऐसे पौधों को बड़े गमले में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये मौसम बहुत इम्पोर्टेंट मौसम है, बहुत खास मौसम है। इस समय आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको कब करना है। आज फरवरी का 3 तारीख है, तो आप जितना जल्दी ये काम करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। फरवरी फरवरी में अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके वहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है और आपको अपने प्लांट्स में न्यू ग्रोथ नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप इस समय रुक सकते हैं। रुक सकते नहीं है, आप रुक जाइए, इस समय आप रुक जाइए फ्रेंड्स। ये उनको अभी करना है जिनके वहाँ सीजन चेंज नज़र आ चुका है, लेकिन जिनके यहाँ अभी भी 10 से 20 दिन बचा है जो सीज़न चेंज होने में, तो आप अभी ये काम नहीं करें फ्रेंड्स। मैं और एक चीज़ करती हूँ, ये है कि ये देखिए ये HPM का सोनाटा है। तो जनरली मैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो खास फ्लावरिंग शो प्लांट्स में तो मैं नहीं डालती इसको, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें मैं इसका स्प्रे ज़रूर करती हूँ। मेरे पास 2 लीटर का एक बॉटल है स्प्रे बॉटल, उसमें मैं इसका 15 बूंद, आप 15 से 20 बूंद आप डालिए इसका और इसका स्प्रे करिए, बहुत अच्छा सा करता है फ्रेंड्स। आप गुलाब में डाल सकते हैं, आप गुड़हल में डाल सकते हैं, या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्प्रे करने की बात आज मैं कही हूँ, सबको आप एक ही दिन में स्प्रे नहीं कर दीजिए, आप एक से मतलब थोड़ा सा गैपिंग में, मतलब एटलीस्ट 5 से 7 दिन एटलीस्ट गैप होना चाहिए। अगर आप आज नीम ऑयल स्प्रे कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 से 7 दिन के बाद ही इसको अप्लाई करें, और एक बार अप्लाई करने के बाद ये प्रोसेस को आप
मार्च अप्रैल तक आप एटलीस्ट 3 से 4 बार कर दीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हैं, मैं गुलाब में भी यूज़ करती हूँ, गुड़हल में भी यूज़ करती हूँ, और जो भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, गर्मी के फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको भी मैं उसमें भी इस बार मैं अप्लाई करने वाली हूँ इसको। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे जो बातें हैं आपके लिए हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड्स। और जो नए फ्रेंड्स हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।